जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने पर जहां मोदी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल इसे संविधान के खिलाफ और तानाशाही बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी के इस अधूरे दौरे ने एक बार फिर से सियासत में गर्माहट ला दी है। जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इसे देश के खिलाफ बताया, तो वहीं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह कहते हुए तंज कसा कि जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं, तो राहुल गांधी को कार से सड़क पर क्यों नहीं घूमने दिया जा रहा। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर भी जमकर हमला किया। असली दृश्य दूसरा है जो भयावह है। कश्मीर के मामले में आप किसी टीवी चैनल पे जब वहां के विजुअल आते हैं तो सड़कें सूनी दिखती हैं, कोई व्यक्ति घर से निकलने को तैयार नहीं है, और ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, गृहमंत्री भी यही बोलते हैं, और उधर जो राज्यपाल थे श्रीमान जी 1008 राज्यपाल महोदय कहते हैं कि मैं राहुल जी आपके लिए प्लेन भेज देता हूँ। अरे जब वो आ गए उन्हें सड़कों पर कार से तो घूम लेने, तो भैया दुनिया और देश और दुनिया को देखने तो दो क्या हो रहा है। वहाँ जाके अमर और शांति की पैगाम देंगे राहुल गांधी और उनकी टीम, वहाँ कोई विध्वंस फैलाने तो जा नहीं रहे। देखना चाहते हैं कि हमारे देश का वो हिस्सा इस घटना के बाद कैसा है, जहाँ सरकार दावे कर रही है कि बड़ा अमन चैन है, खूब शांति है, खूब आनंद ले रहे हैं लोग, तो दुनिया देखे। ये थी भावना उसकी। कांग्रेस अब नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस के अलग अलग बयान आ रहे हैं। जयराम रमेश क्या बोलते हैं? मोदी है, वो हमारे एक हिस्सा है ना, जयराम रमेश एक हिस्सा है, उन्होंने प्रशंसा कर दी। और जब वो आते थे मध्य प्रदेश में, जब वो प्रदेश की मंत्री थे, तब वो शिवराज चौहान की प्रशंसा करते थे, अब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, हो सकता है कल राष्ट्रपति की प्रशंसा कर रहे हैं। सज्जन सिंह ने अपनी ही पार्टी के जयराम रमेश को भी आड़े हाथों ली। जयराम रमेश के नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के सवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम रमेश जब केंद्र में मंत्री थे और मध्य प्रदेश आते थे तो तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ करते थे, हो सकता है कल राष्ट्रपति की प्रशंसा करें। सज्जन सिंह वर्मा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद एक नई बहस को छेड़ते हुए नागालैंड में भी 370 वाली स्थिति बताई है। मैंने कटघरे में खड़ा किया है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को कि देश और दुनिया को जो तुम दिखा रहे हो बिल्कुल अलग है। जब कश्मीर में धारा 370 हटाई जा रही, वहीं हमारे देश का वो हिस्सा नागालैंड जहाँ पे वही की वही धारा 370 वाली स्थिति है, वहाँ उस प्रदेश का दूसरा झंडा अभी 15 अगस्त पे 14 अगस्त पे फहराया गया, क्यों ना समानता का व्यवहार हो। कश्मीर में जब कोई बात हो तो नागालैंड में भी उसी चरित्र को अपनाना चाहिए। एक विशेष वर्ग को भयाक्रांत करके आतंक फैला के आप अपनी तरफ मोल्ड करना चाहते हो, ये सीधे सीधे परिलक्षित हो रहा है। हमारा अनुरोध है कि कश्मीर में किया है नागालैंड में भी कर दीजिए वही घटना, हम आपकी प्रशंसा खुल के करेंगे। विरोध में देखिए, मुझे आजकल कोई सीरियस लेता नहीं तुम्हारे चैनल वाला। मैंने बहुत पहले कहा कि चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में कोई सा भी निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि बहुमत की सरकार है, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से संविधान के विपरीत जाके यदि आप कोई निर्णय लेते हो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता। संशोधन आता है लोकसभा में, उस पर डिबेट होती है, लोकसभा में प्रस्तुत होता है, डिबेट होने के बाद जब पास होता है तो राज्यसभा में वही डिबेट होती है, और डिबेट होने के बाद जब पास होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। अंतिम सीढ़ी है राजपत्र का प्रकाशन। दुर्भाग्य है कि लोकसभा में कोई डिबेट नहीं हुई, राज्यसभा में सीधे प्रस्तुत हुआ, डिबेट चल रही है, उधर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, राजपत्र का प्रकाशन होकर सड़क पे आ जाता है राजपत्र, उधर डिबेट ही चल रही है। तो किस तरह का लोकतंत्र, डिबेट संपूर्ण होने के बाद सवाल है कि 370 हटाने के ये मेरा मैंने तो ये स्पष्ट कहा कि चुनी हुई बहुमत की सरकार को हर तरह का निर्णय लेने का अधिकार है।